आईएएस भानु प्रकाश एटरू ने संभाला कार्यभार। आपको लाइव तस्वीरें हम दिखाते हैं और ये लाइव तस्वीरें जरा आप देख लीजिए, जयपुर से लाइव तस्वीरें निकल कर आ रही है। राजस्थान डिस्कॉम चेयरमैन का उन्होंने कार्यभार संभाला है और ऐसे में फर्स्ट इंडिया न्यूज आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। कार्यभार संभालने के बाद की तस्वीरें जरा आप देख लीजिए। आईएएस भास्कर ए सावंत ने सौंपा है उन्हें चार्ज। तो भानु प्रकाश एटरू ने कार्यभार संभाला है और जैसे ही कार्यभार संभाला उन्हें शुभकामनाएं दी गई। राजस्थान डिस्कॉम चेयरमैन का कार्यभार उनके द्वारा संभाला गया है और जानकारी दी कि आईएएस भास्कर ए सावंत ने उन्हें चार्ज सौंपा है। और अधिक जानकारी के लिए सहयोगी विकास समाज से जुड़े विकास से देखिए, आईएएस भानु प्रकाश एटरू ने कार्यभार संभाला है, आईएएस भास्कर ए सावंत के द्वारा उन्हें चार्ज सौंपा गया। क्या कुछ जानकारी आपके पास? भवन में आज जो कह सकते हैं नया फेरबदल जो किया गया था ब्यूरोक्रेसी में, उसके बाद जो नए अधिकारियों ने कामकाज संभाला है, भानु प्रकाश एटरू राजस्थान डिस्कॉम के चेयरमैन बनाए गए, उसके अलावा राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के भी चेयरमैन है, उन्होंने आज अपना कार्यभार जो है वो ग्रहण कर लिया है। प्रमुख ऊर्जा सचिव और डिस्कॉम चेयरमैन जो थे भास्कर सावंत, उन्होंने एटरू को अपना जो कार्यभार जो है वो सौंपा है। अब कुछ देर में भास्कर सावंत सचिवालय जाकर के वहां के प्रमुख खाद्य सचिव जो है उसकी जिम्मेदारी संभालेंगे। उससे पहले विद्युत भवन में भास्कर ए सावंत की विदाई का एक कार्यक्रम जो है इस वक्त चल रहा है, जिसमें कि भास्कर सावंत जो है वो मौजूद है, उनके अलावा नए चेयरमैन लगाए गए हैं भानु प्रकाश एटरू वो मौजूद है, जयपुर डिस्कॉम MD है आर एन कुमावत वो मौजूद है, राजस्थान ऊर्जा विकास निगम के MD MM रेणवा जो है वो मौजूद है और तमाम जो डिस्कॉम्स के अधिकारी हैं वो सभी लोग जो है वो इस वक्त कार्यक्रम में मौजूद है और उनको कह सकते हैं कि एक अच्छे कार्यकाल की एक विदाई जो है वो उनको दी जा रही है। ये विदाई देने के पीछे का जो कारण है वो ये भी है कि भास्कर सावंत का ऊर्जा विभाग से लंबा नाता रहा है। दो बार वो भास्कर सावंत जो है ऊर्जा महकमे में जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। इस बार उनका जो कार्यकाल है तकरीबन 2.5 साल के आसपास का कार्यकाल रहा है, जिसमें की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उन्होंने संभाली है। साथ में जो जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, चाहे वो कोल संकट हो, चाहे वो उत्पादन संकट हो, चाहे वो डिस्कॉम्स के इश्यूज हो, तमाम तरह के इश्यूज पे उन्होंने बहुत गहनता से उन्होंने काम किया और उसी का नतीजा है कि एक बेहतर परफॉर्मेंस जो है इस वक्त डिस्कॉम्स जो है वो दे पाया है। इस वक्त आप देख सकते हैं विजुअल्स में किस तरह से भास्कर सावंत को इस वक्त विदाई दी जा रही है और एक शानदार कार्यकाल के लिए उनको विदाई देने का कार्यक्रम इस वक्त विद्युत भवन के अंदर जारी है। जी बिल्कुल विकास, क्योंकि हम देख भी पा रहे हैं कि जो भास्कर सावंत है उनका विधायक समारोह का जो कार्यक्रम है वो फिलहाल चल रहा है। लेकिन अगर बात करें आईएएस भानु प्रकाश एटरू की, क्योंकि अब इनके हाथों में ही राजस्थान डिस्कॉम चेयरमैन है, क्योंकि यही अब इन्होंने कार्यभार संभाला है, तो अगर इनके वर्किंग पोर्टफोलियो की बात की जाए तो विकास, भानु प्रकाश एटरू का वर्किंग पोर्टफोलियो क्या है, कैसा वर्किंग स्टाइल इनका है? देखिए, अगर भानु प्रकाश एटरू की बात करें, शालीन स्वभाव के आईएएस हैं और साथ में कह सकते हैं रिजर्व नेचर में और रिजल्ट ओरिएंटेड काम करने में विश्वास करते हैं, लो प्रोफाइल रहकर काम करना पसंद करते हैं। इसी वजह से आप देख सकते हैं कि आज उन्होंने जब ज्वाइन किया उसके बाद में सिर्फ जो डिस्कॉम्स के आला अधिकारी उनसे एक बार इंटरेक्शन किया है। अब उसके बाद एक एक करके चीजों को समझेंगे, समझ करके उन चीजों पर डिस्कशन करेंगे, फिर इनका जो वर्किंग स्टाइल है कि एक एक बिंदु पर डिस्कस करना और उन डिस्कस करके उन बिंदुओं को समस्याओं को शॉर्टेज करना, क्योंकि इस वक्त देखिए ऊर्जा महकमे में बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, चाहे वो कोल संकट की बात हो। इस वक्त जबरदस्त कोल संकट है, अगर बात करें छबड़ा की, सूरतगढ़ की, दोनों जगह पे 1 से 2 दिन का कोयला बचा हुआ है, ऊर्जा विभाग के अधिकारी छत्तीसगढ़ गए हुए हैं, तो ये बहुत सारी इश्यूज हैं जिन पर बहुत बड़ा चुनौती जो है वो रहने वाली है और इन चुनौतियों का सामना करने के लिए ही 2 नए अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई। एक तरफ जहाँ पे प्रमुख ऊर्जा सचिव के रूप में आलोक गुप्ता को जिम्मेदारी दी गई, वहीं दूसरी ओर डिस्कॉम चेयरमैन के रूप में भानु प्रकाश एटरू जो है वो उनको जिम्मेदारी दी गई, जिन्होंने भी कार्यभार संभाला है। अभी जो जानकारी मिल रही है उसमें आलोक गुप्ता जो है वो कल अपना कार्यभार संभालेंगे और उसके बाद में ये दोनों अधिकारी की टीम जो है वो आगे ऊर्जा सेक्टर में नवाचार और साथ में जो चुनौतियां हैं उसके लिए पूरा एक्शन प्लान तैयार करेगी, उसके आधार पर काम किया जाएगा। जी बिल्कुल विकास, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई।